हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल आज़ाद एडिट। चले दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा कि आपको ऐसी पिक्चर आप ये किस कॉन्सेप्ट की पिक्चर आप कैसे बना सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। मैं फोटो एडिटिंग की टॉपिक पर नई नई वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। It's hard to breathe, but that's alright. जी हाँ, मॉडल है हमारे हमदान रॉय। सबसे पहले मैं इसकी कॉपी कर लूँगा, इसकी कॉपी लूँगी और अब मैं इसकी पिक्चर थोड़ी शार्प करूँगा। शार्पनेस का ये मैं थोड़ा प्रोसीजर चलाऊँगा पिक्चर को थोड़ी शार्प करने के लिए। जी बिल्कुल, शार्प करने के बाद मैं आप जाता हूँ कैमरा रॉ में और कैमरा रॉ में कलर करेक्शन करूँगा। जी हाँ, कलर करेक्शन करूँगा। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर थोड़े मुझे लाइट दिख रहे हैं और मैं जूतों को भी ज़रा मैं थोड़ी शार्प दूँगा, शार्पनेस दूँगा, थोड़ी डिटेल दूँगा जूतों को भी। ठीक है, जूते भी थोड़े डिटेल में आ गए हैं। ओके ठीक है, पाँव ज़रा मुझे पाँव की साइड ज़रा काले काले दिख रहे हैं, पाँव को भी ज़रा वाइट वाइट करूँगा। ठीक है, ये बन गए गोरे चिट्टे हो गए पाँव भी। ओके, अब आती है बारी बैकग्राउंड रिमूव की और मैं ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करूँगा और अब मैं इसको मास्किंग तो हुई है और अब मैं ज़रा एडजस्टमेंट करके, ये एडजस्टमेंट आप भी कर सकते हैं, आप स्लो में पोज करके देख सकते हैं मैं किस तरह से सेटिंग कर सकता हूँ, सेटिंग कर रहा हूँ। और कोई चीज़ समझ में ना आ जाए तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, ये मैं सिर्फ ओवर यूज बता रहा हूँ बड़ा। ठीक है, अब यहाँ से मैंने मास्किंग की हुई है। मास्किंग का फ़ायदा यही होता है, आप जब मास्किंग कर लेते हैं तो आप जहाँ जहाँ आपके जो बैकग्राउंड रिमूव हो जाते हैं वो आप आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ये मेरा तरीका है एडजस्ट करने का। तो ज़रा मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ। ये मैं बैकग्राउंड पे ले आया और यहाँ पर मैंने हमदान भाई को बिठा दिया है और अब थोड़ी मैं एडजस्टमेंट करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है थोड़ा एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ बाकी है, वहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये थोड़ा साइडों पे मैं इसको पिक्चर को बिठा रहा हूँ, उसके एजेस बिठा रहा हूँ ताकि, और ये मेरी एक पिक्चर है पौधे की, अब मैं इसको PNG है, इसको मैंने डाउनलोड करके मैंने रखी थी, अब इसको मैं साइड पे करके इसको ज़रा ब्लर कर दूंगा मैं ताकि ये ज़रा आउट ऑफ फोकस लगे और मेरा जो सब्जेक्ट है वो ज़रा फोकस में आए। ठीक है, और पाँव की तरफ भी मैं कुछ ऐसे ही करूँगा, पाँव के लिए भी मैंने PNG डाउनलोड की हुई है, पाँव की साइड पर ग्रास वो भी मैंने डाउनलोड करके रखी थी, ये मैंने रखी है। अब इसको भी मैं ज़रा एडजस्ट करूँगा यहाँ पर हल्के हल्के, यहाँ से इसको ज़रा रिमूव करके। ओके, इसके नीचे कर दिया, रिमूव कर दिया, थोड़ा कलर मार दिया मैंने, अब थोड़ा बेहतर है। ठीक है, बहुत अच्छी है। और अब ज़रा सा मुझे लग रहा है थोड़ा बालों में ज़रा एडजस्ट करना बाकी रह गया है, बालों में एडजस्ट कर रहा हूँ। थोड़ी एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है, जहाँ जहाँ आप देखते हैं कमी है वहाँ आप थोड़ा एडजस्टमेंट करते रहते हैं। आप अगर ये करने बैठेंगे तो आपको खुद ही मतलब एक आइडिया हो बन जाएगा कि क्या एडजस्ट करनी है क्या नहीं करनी। बहरहाल मेरा ट्यूटोरियल तो है आपके पास। ओके,
चाहिए था। कैसी लगी पिक्चर कमेंट से जरूर कहिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा और मैं किस किस टॉपिक पे पिक्चर बनाऊँ। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।